फाइनली अब ओल्ड मेमोरी का टाइम आ चुका है, तो चुको आ जाओ, ओल्ड मेमोरी देखने मिलेगी आपको भी। I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. Hello friends, good morning. हम तो नहीं कर रहे हैं। दोनों को इनके अलग अलग बाथ टब दे दिए हैं। भरा पड़ती वापस ना रहे, तू उधर जा मैं इधर आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज आपको सुबह बहुत ही अच्छा एक सीन देखने मिला हुआ है जिसमें हमारे दोनों मिट्टू नहा रहे हैं। मैं जैसे ही रूम से निकली, दोनों जने मस्त बैठे हुए थे। मैंने कहा दोनों को चलो आज नहाने के लिए कुछ दे देते हैं। दोनों को एक ही बाथ टब दिया था, दोनों लड़ा रहे थे, फिर अलग अलग प्लेट्स में दे दिया है। तो कितने अच्छे तरीके से नहा रहे, देखो फफड़ फफड़ के एकदम उड़ा उड़ा के पानी। ये गर्दन गर्दन के लिए करता है। हमारे घर पे एक मेहमान और आने वाला है, थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा वो मेहमान कौन आने वाला है। अभी हम आपको एकदम रिवील नहीं कर रहे। क्यों बिट्टू, सही बात है, हो गया अक्की। ये तो करते रहेंगे इसी चिको। और हम दोनों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो गए हैं अभी शॉप पे। और मुझे आज थोड़ा सा टाइम लगेगा शॉप पे जाने में, क्योंकि मैं आज थोड़ी सफाई करने बैठ गई हूँ, क्योंकि दिवाली बिल्कुल अब पास में आने लग गई है, आने वाली है, लग गई क्या है, दिवाली एकदम अब पास में आने वाली है। तो थोड़ी थोड़ी सफाई बाकी है, और कोई भी काम वाले आ नहीं रहे क्योंकि सबके खेतों में काम आ गया है इसीलिए। तो अभी मैं ये सारे जो भी आर्ये हैं, हमारे तो आर्ये ही बोलते हैं इनको, ये जितने भी आ रही हैं उनको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। तो एक बार अच्छे सर्फ वाला तो घुमा दिया है, अब अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। अब आप जी भी रहे हो, हली रही है, बाबड़ नीचे बदाबत पड़ी जी की देखो। ये चिड़िया नहीं है, ये वो कारो कारो जानवर नहीं है। मैं नो टैटू है यू बाब। ओ भाई मम्मी, तुम बीक नहीं लगे तुम आई लो है। तो पड़ी क्यों है, कौन से मम्मी का वो मरी क्यों नहीं बाबड़ो है, बहुत मरी क्यों, एक पड़ी मरी क्यों है बाबड़ो, ककड़ो तो है तो दियो बीजू पड़ी है तो करे पड़ी। और परसों, हां वो कही थी परसों, काले काले काले। ओ भाई कान ने होता क्यों है, जोरदार है बाबड़ो, उजू बोले हां के बोली रही है। तो ले जा ले उसको, इन ले जा अब जा की है, ये ऊपर से बोली रही है। भाई मेलू होते मारे ने बोले, ये किस माते, ये वनेड़स बोली रही है माते, ये डालिए हली रही है, बोली वगैरह हली रही है। चिकन आदो चिकन बहुत चिकन मजा आ गया देखो। आज तुम्हारे इनकी कपड़ा में लपेटी मिलू बाबू, इन खोखो वाल दो, खोखा मिल दो, हो ना दो खोखो ये डाल दे, ये खोखो, ये चिड़िया, ये देखो ये चिड़िया। हां कि मिट्टू तो नहीं है मम्मी, ना मिट्टू नहीं आवे, नहीं मिट्टू नहीं है, જીવી નહીં શકીએ આપણે, મીઠું તો જી આપણે પેલું કરી દો, ના પગ ઉડતો નહીં હોય ને તો આપણે જીવડાવી શકો, હા ક્યાં જોરદાર ને આપણે પછી મંકન જે પ્રેમ બેન કરતો જાનવર બી જાય બોલે છોયા હે છોતા બેબી હિમારા તો વધારે તો મજા આવી જતો, છોતા બેબી કરી કરીને તો બહાર બાલ્ટી લઈને ગઈ હતી, બાલ્ટી લઈને ગઈ तो छठा सा मेहमान मिल गया, और ये बाल्टी लेके आ गई। तो क्या पालना है, क्या पालना, नहीं गिर गया नीचे, मम्मी ले आए, ये तो उलझ गया इसमें,
एक ही है। एक ही, एक तो कल मर गया चुकू बेचारा वो गिर के। तो ये बाहर चिल्ला रहे हैं ना, उनको दे दो ना। पर ये नीचे गिर गया ना, इसके घोंसले में रखवाना पड़ेगा इसको। घोंसला ऊपर है वहाँ पे। घोंसला बिखर गया है चुकू पूरा। रखेंगे भी कैसे अपन इसमें इसको? ये डब्बे में ही रख दे, डब्बे में आ जाएगी इसकी मम्मी। पूरा पूरा डब्बा रख देते उधर ऊपर। चिपका दो कुछ भी नहीं होता। सब सही हो जाता है। या डिब्बा ही सेट कर दे पूरा। डिब्बा नहीं, मैं नहीं बैठेगा। अच्छा, इनके तो इनके हिसाब से ही देते हैं। बहुत बहुत लुभा, एक एक ला ले तू। अभी ये थोड़ा सा एक आड़ो कर दीजिए, कहीं हलेगी इतने से अटले पड़ी जी बापड़ो। थोड़ा सा जाए वो ने एक मरी क्यों बापड़ो? मर गया। हां तो फाइनली छोटे छोटे बेबी को उसके घोंसले में रख दिया, क्योंकि हम जो ये लेके गए थे ना, इनको अपने वाला घर समझ में नहीं आता है, उनको उसी में प्रोटेक्शन लगता है। और अभी तक तो उसकी आँखें भी नहीं खुली थी, बहुत ज़्यादा छोटा था। चिकू तो टेप वेप सब लेके चले गए थे, इनके वहाँ बॉक्स ही चिपका देता हूँ ताकि गिरे ही नहीं। तो इसकी मम्मी चिल्ला रही थी, अब चुप हो गई। वाह, अपने मेरे जो बैक टू वर्क पे आ जाती हूँ, काम जो कर रही थी वो। भी हैं जो कि वॉश करने मैंने डाल दिए हैं, और थोड़ा बहुत अब डाइनिंग पे जो बिखेरा है वो अवेयर देती हूँ। 12:30 हो चुकी हैं, फिर नहा के शॉप पे जाती हूँ क्योंकि लेट हो गई हूँ, और शॉप पे भी अब कस्टमर चालू है, दिवाली है इसलिए। तो मम्मी ने खाना बना दिया है, तो अभी मैं खाने बैठी हूँ। और खाने में आज बनाया है तोरे की सब्ज़ी, जो कि हम सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, दूध वाली तोरे की सब्ज़ी। तो अभी फटाफट से खाना खा लेती हूँ, फिर जाते हैं दुकान पर अपने। मुझे छोड़ने आना था, सो गए। मैं खाना खा रही थी इतनी देर में। सब दुकान का सामान घर पे आज सफाई की निकला लेके जा रहे। बहुत सारी चीज़ें घर पे पड़ी हुई थी, सारा एक थैले में डाल दिया, नहीं तो रहता ही रहता है। नहीं, घर पे ही रहता है फिर। आने के बाद थोड़ी सी मैं फ्री थी, तो मुझे नींद आ गई, मैं सो गई आज बड़े टाइम के बाद। मुझे दोपहर में आज नींद आई है थोड़ी, और उस पर भी मैं सिर्फ 15 मिनट सोई हूँ। चुकू का फ़ोन आ गया फट से, तो उठ गई मैं। करवा चौथ का ब्लॉग आ गया, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो जल्दी से। तुम्हारे जोरी झंडे लेके जाना। क्या जोरी झंडे? ये चार्ज बाहर रख के दे देना। हाँ, क्या वो लेके जाओ। क्या लेके? हाँ ला, दोनों आगे रख दे। तो फ्रेंड्स, हो गया है टाइम मंगल करने का, शॉप 6:30 ऊपर हो चुकी है। आज नॉन स्टॉप काम था इसलिए टाइम मिला ही नहीं है मुझे कुछ भी। बैठो, आओ बैठो। घर पे आने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़े सारे ही समेटे हैं, 2 दिन के हो गए थे, तो मैंने कहा समेट देती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर आज के कपड़े सूख गए हैं इसलिए। और फिर खाना बना दिया, और खाने में आज बनाया है नमकीन की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि कुछ सब्ज़ी थी नहीं हरी सब्ज़ी, तो इसीलिए यहाँ पर नमकीन की सब्ज़ी बनी है और ये रोटी। तो मैं मेरे लिए खाना लगा देती हूँ, मुझे भूख लग रही है। चिकू को पूछ लेती हूँ उनको खाना है क्या अभी, अगर उनको भी खाना हो तो लगे हाथ लगा देती हूँ। बेबी खाना ले आऊं? ले आओ। ठीक है, नमकीन साथ में चाहिए कितने? नमकीन की तो सब्जी बनी है, तो भी चाहिए कि? ओके, तो मैं खा। बेबी
चिको हाँ मेरी प्लेट ले लेती हूँ, साथ में चिको को थोड़ी सी नमकीन खानी है, नमकीन भी ले लेती हूँ। आज आपके पुरानी कुछ यादें मिली है मुझे सफाई करते समय, क्या मिली देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ब्लॉग में बने रहो, पता चलेगा चिको की क्या पुरानी यादें मिली है। जस्ट वेट एंड वॉच, आपके लिए भी सस्पेंस है और उनके लिए भी। तो अभी खाना खा लेते हैं दोनों जने और मस्त बातें करते हुए खाएंगे, क्योंकि हम दोनों का टाइम यही रहता है बातें करने का खाना खाते समय। ये बताती हूँ चिकू, क्या हुआ अम्मी? मेरे पाले चाचा बोलो ना। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही अम्मी की? अम्मी दोनों खाना क्या खाया बेटा? ओल्ड मेमोरी की तरफ अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे। मैंने क्या सफाई की, तो वो अपन को जो मॉल से जो बहुत सारी शॉपिंग हुई थी बिना भी और अपनी कंबाइंड होके, तो साथ में ये बॉटल फ्री मिली थी, तो आज ये बॉटल हम भरेंगे, क्योंकि ये बॉटल बहुत भारी हो जाती है पानी भरने के बाद, और एक्चुअल में बहुत भारी है। तो उसके ऊपर ये प्लास्टिक उचका देती हूँ। वो टेम्परेचर दिखाया हाँ, तो वो ख़राब थी नहीं, ये चालू है हाँ। यानी इस बॉटल का टेम्परेचर 28 अंदर जो है वो अंदर, और पानी भर के देखते हैं ना। ओके कैसा है बता ना डॉक्टर। हाँ ये बताते ऐसा है ढक्कन, ये तो कुछ नहीं होना, ये सब अनटेम्परेचर कर दिया इसको हमने। किसने किसने? पापा दोनों ने मिल के। तो एक आधे एक ग्लास में 500 ml लिया था। अच्छा दो ग्लास आएगा, वो अच्छे से वॉश कर देना है ना, ढंग से करना। ढंग से करना यानी क्या? अच्छे सर्फ वगैरह लगा के धोना है। तो यानी कि यूं यूं कर कर बोल रहा, मैं अच्छे से काम करती सारे मेरे। वो पता है मुझे इसलिए करो। लो ये बॉटल, अब तो क्यों नहीं आओगी? आप तो आओगी, अब तो बच्चों से बहुत आओगी मेरे पे अभी। ओ 28 डिग्री टेम्परेचर है। हो अब क्या होगा, पी सकते हैं 28 डिग्री का? क्यों नहीं पी सकते? तो पियो दो ग्लास पानी। ये दो ग्लास नहीं अभी लेना, मैं तब पियोगे तो खबर पड़ जाएगा। ये जाने लगी रहने दो। लगी तो फीट होती होगी। फीट होती है अंदर नहीं चले। फीट होने के चक्कर में ये बीडी ये क्या हो जाएगा, निकाल ही देना। मेरे को भी तो पिलाती, एक ग्लास ही पानी आता है, दो ग्लास आता है। मैं एक इसी बात पे अब चैलेंज है, चलो ले पकड़। तुम इस बोतल वाले की इतनी साइड ले रहे हो, पत्नी पत्नी तुमको कुछ नहीं। ये वाला ग्लास लो। हाँ कितना भी बड़ा दे दे कोई फर्क नहीं, सेम है ठीक से भरोगे ठीक है। एक ग्लास फिक्स पक्का, एक ग्लास मेरे तो दो ग्लास है ना, ठीक से एक ग्लास भर ठीक है। ये आया एक ग्लास, अब दो ग्लास पूरे आने चाहिए ठीक है, नहीं तुम्हारे भी क्या वो मतलब नहीं नहीं दो, तुमने मेरे को दो ग्लास बोला। कोई नहीं अभी वापस पी के बता दूंगा, अब देखो। फाइनली अब ओल्ड मेमोरी का टाइम आ चुका है, तो चिको आ जाओ, ओल्ड मेमोरी देखने मिलेगी आपको भी। तो फाइनली टाइम आ जाता है ओल्ड मेमोरी का। आज ये थैली मुझे मिली है सफाई करते हुए, जो कि है चिकू की। जो कि ये चिकू का पैकेट, इसकी कंडीशन देख के आप देख सकते हो कितना पुराना है। इसके ऊपर चिकू ने सारी गाड़ियों के स्टिकर्स लगे हुए हैं। मेलों में मिलते थे वो वाले स्टिकर्स, तो अभी और स्टिकर्स भी निकलेंगे इसके अंदर। तो मेरे को खोलना है ये फाइल, तो मेरी ही है पर इसके अंदर सारी फाइल्स में बहुत सारी चीजें मिसिंग है। चिकू के अंदर स्टिकर्स भी निकले जो मेलों में मिलते थे, ये स्टार वाले स्टिकर, ये बहुत पुराने, कितने साल हो गए जी को इन स्टिकर्स को? हो गए होंगे 12-13 साल अराउंड, ये तो बहुत पुराने, बहुत पुराने हैं। ये तो मेरे पास भी होते थे। ये गुलाब वाले क्यों लाया पता नहीं मुझे भी। आप कब से इसलिए शायद आपको अच्छे नहीं लगे होंगे, इसलिए आपने किसी पे चिपका ही नहीं है। ये गाड़ी वाले ब्लू है कि नहीं? ये एक अपने लैपटॉप पे चिपका, ब्लू तो खत्म हो गई, ऐसा ही आता था चिकू ग्लू तो, जब उसके ऊपर जाके फिर पकड़ करता था। दूसरे पे लगाएंगे। ओह बिल्कुल। एक रेड कलर की और थी मेरी फाइल। हाँ वो नहीं मिल रही है।
क्या है इसमें? इसके अंदर क्या है? बता ना क्या है? इसके अंदर देखो आप, ये कौन है? क्या है क्या? बता। ये कौन है? अब आलोक पे पढ़ते थे तब का आपका आईडी कार्ड है। कलर किया है मैंने। कहाँ पे कलर किया? साइड में। और क्या था? भारत के नक्शे, ये सब वही के आलोक स्कूल की। क्या इसमें तो कोई खास नहीं है कुछ? हाँ, पर ये इतनी भी चीजें मिली। ये भी स्टिकर संभाल के रखे जो हम वो बुक्स पे और कॉपीज पे लगाते थे, फिर अच्छे से जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग होती थी उन्हीं से नाम लिखवाते थे। नहीं, मेरे तो मैं ही लिखता। आपके अच्छे थे ना? मैं तो मेरे पापा से लिखवाती थी। मैं भी कुछ आपके वो वाले डॉक्यूमेंट फाइल ना जिसमें आपके मिट्टू के, वही तो कह रहा हूँ। मेरा फोटो आज तक नहीं मिला चुकू मेरे को। तो आज हमारा इसका क्या? हमारे नव पंचाल ज्वेलर्स की ओपनिंग का इनविटेशन कार्ड है जो कि संभाल के रखा हुआ है। तो ये कुछ छोटी सी पुरानी यादें थी। मज़ा आया, इतना भी तो इन्जॉयमेंट हुआ, पर कुछ और नया मिलता, और कुछ मिलता तो और मज़ा आता। बस अब हाँ, एक जैम्बो फाइल है, वो कभी मिलेगी तो वो बताएंगे। और हम दोनों की लव मैरिज है, तो हम दोनों की लव मैरिज के बहुत सारे किस्से हैं, कभी कभी आपको सुनाएंगे। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो, सुनाएंगे बिल्कुल। उसमें हमारे पतिदेव भी हमारे साथ में पूरा सहयोग करेंगे, जैसे कि आज देखने के लिए हमारे साथ बैठ गए थे वैसे ही। और अभी आज हम खोलने वाले हैं हमारे गुल्लक, जो कि हमारी सेविंग्स है, तो वो भी खुलेंगे। कुछ आने वाला है बहुत अच्छा। मैंने एक दो एक हाँ कल के ब्लॉग में मैंने बोला है, कल नहीं परसों के ब्लॉग में मैंने बोला है, बहुत जल्द पता चल गया। आज का ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, और पीछे से बोलो ना सब्सक्राइब कर देना। कर देंगे, समझ गए। ओके बाय।